हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज ब्लॉक 3 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने रेमन कैटल की थ्योरी पढ़नी है, ट्रेड थ्योरी। और 16 PF के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमने उनकी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी और उसका एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है, उसके बारे में पढ़ना है। कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स पढ़ेंगे, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स हैं इसमें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल है, एनवायरमेंटल ट्रेड्स हैं, एबिलिटी है, टेम्परामेंट है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स हैं जो हमने इसमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये बताया हुआ है कि जो कैटल थे उनके फोकस मल्टीपल ट्रेड्स पे था। वो ये कहते थे कि बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं एक पर्सनालिटी के अंदर, हम उसको सिर्फ दो ट्रेड्स में नहीं डिवाइड कर सकते कि एक्स्ट्रावर्ट है या इंट्रावर्ट है, काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं जिसको हमें देखना चाहिए। तभी इन्होंने 16 PF का एक जो लिस्ट बाद में बनाई थी क्वेश्चनेयर, जिसमें काफ़ी सारे ट्रेड्स थे। तो और ये कहते हैं कि जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो जेनेटिकली और एनवायरमेंटली डिटरमिंड होते हैं, कि हमारे अंदर जो ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं या तो वो जेनेटिक होते हैं, हमें हेरिडिटी से मिले होते हैं, या फिर हमारे एनवायरनमेंट से वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे ट्रेड्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो ये जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम ये देखेंगे कि उन्होंने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में क्या बताया है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं ट्रेड थ्योरी के, मेथड्स ऑफ एंड मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड, कि किस तरीके से ट्रेड को हम मेजर करते हैं, लिस्ट आउट कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ट्रेड्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी। तो कैटल की ट्रेड थ्योरी पे आते हैं। इन्होंने अपने ट्रेड थ्योरी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसके लिए इन्होंने इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया था। इंडक्टिव मेथड होता है जिसमें हम स्पेसिफिक चीज़ें कलेक्ट करते हैं, पहले स्पेसिफिक डाटा लेते हैं और उस डेटा से जनरल चीज़ें, हम जनरल थ्योरीज़ को इंड्यूस करते हैं। मतलब स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट किए इन्होंने लोगों के ऊपर और उसके बेस पे इन्होंने जनरल ट्रेड्स बताए कि ये सबके अंदर होते हैं। तो मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, इसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, जो इन्होंने अपनी साइंटिफिक इंक्वायरी में यूज़ किया था, क्योंकि इन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा गैदर किया था, उसके ऊपर इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का मेथड यूज़ किया था, उसके बेस पे इन्होंने जनरल कुछ ट्रेड्स ऐसे निकाले थे जो ये बोलते हैं कि हम सबके अंदर होते हैं। कैटल का ये मानना है कि पर्सनैलिटी वॉज दैट विच परमिटेड अ प्रडिक्शन ऑफ वट अ पर्सन विल डू, कि पर्सनैलिटी वो चीज़ होती है जो हमें किसी के पर्सन के रिएक्शन के बारे में प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है, कि किसी एक सिचुएशन में कोई पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। अगर वो चीज़ हम समझ जाएं किसी के भी बारे में, तो मतलब हम उसकी पर्सनालिटी को समझ गए हैं। तो जब आपको ये पता होता है कि सामने वाला इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करने वाला है, तो दैट मीन्स आप उसको अच्छे से समझते हो, उसकी पर्सनालिटी की आपको पूरी नॉलेज है। और ये कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ सोर्स ट्रेड्स होते हैं, जो बेसिक ट्रेड्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं। उन्हीं सोर्स ट्रेड्स को इन्होंने जो कलेक्ट किया था डेटा, उसमें से काफ़ी सारे सोर्स ट्रेड्स निकाले थे। इन्होंने मेथड फैक्टर एनालिसिस यूज़ किया था और सोर्स ट्रेड्स के अंदर ही इनको एक सरफेस ट्रेड जैसी चीज़ मिली थी, कि जो हमारे अंदर के सोर्स ट्रेड्स होते हैं, जब वो बाहर, अंदर बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं हमारी पर्सनालिटी में, लेकिन हम बाहर की साइड पर जो नज़र आते हैं बहुत कम होते हैं, उनको ये बोलते हैं सरफेस ट्रेड्स। अंदर से वो कैसे है, किस तरीके से सोचता है, वो अंदर से उसकी क्या पर्सनालिटी है, वो सब चीज़ें अंदर की चीज़ हो गई, सोर्स ट्रेड हो गया। लेकिन बाहर वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, दूसरों के सामने वो क्या शो कर रहा है, वो हो गया सरफेस ट्रेड्स। तो ये सरफेस ट्रेड्स सोर्स ट्रेड से ही उठा के सरफेस ट्रेड्स में डाले थे। और ये किस तरीके से किया था इन्होंने, अपने क्वेश्चनेयर के थ्रू किया था, क्वेश्चनेयर बना के उसके थ्रू डेटा कलेक्ट किया था। और कई लोगों ने सेल्फ रिपोर्ट्स भी की थी। सेल्फ रिपोर्ट होता है कि क्लाइंट अपने आप खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं, और क्वेश्चनेयर का यूज़ किया था। और ऐसे बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके इस तरीके से इन्होंने ये सारी रिसर्च करी थी।
कैटल ने पहले 35 प्राइमरी ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए थे. 35 प्राइमरी ट्रेड्स मतलब बहुत सारे 35 ट्रेड्स प्राइमरी जो सब में इनका मानना है कि होनी सब में होते हैं. ऑफ विच 23 कैटेगराइज नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड 12 कैटेगराइज एबनॉर्मल. तो इसमें से 35 में से 23 तो ऐसे थे जो नॉर्मल इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करते हैं और 12 ऐसे थे जो एबनॉर्मल को. फिर इन्होंने 16 PF अपना क्वेश्चनेयर डेवलप किया था मेजर करने के लिए ट्रेड्स को. और उसमें इन्होंने क्या किया था, 16 डिफरेंट सोर्स ट्रेड्स लिए थे जो नॉर्मल बिहेवियर के हैं, एबनॉर्मल के नहीं लिए थे. सोर्स ट्रेड्स लिए थे 16 जो नॉर्मल बिहेवियर से एसोसिएट होते हैं. कैटल ये मानते हैं कि ह्यूमंस आर इनेटली ड्रिवन बाय अर्जेस, कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो हमारे अंदर के जो अर्जेस होते हैं जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जैसे हंगर, क्यूरियोसिटी, एंगर, फियर, ये कुछ ऐसे अर्जेस हैं हम सबके अंदर जिससे हम मजबूर होते हैं उठ के कुछ परफॉर्म करने के लिए, कुछ करने के लिए. कैटल डिस्टिंग्विश टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. और इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं. ये कहते हैं दो तरह की इंटेलिजेंस होती है हमारे अंदर, एक होती है फ्लूइड और क्रिस्टलाइज. फ्लूइड इंटेलिजेंस वो होती है जो हमें अलाउ करती है नई चीज़ें सीखने में रिगार्डलेस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस. पुराना एक्सपीरियंस को भुला के नई चीज़ सीखने के लिए हमें जो अलाउ करती है वो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होती है, जब हम पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे ही नई प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, उसमें हम नया नहीं सीखते हैं. एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन प्रीवियस एक्सपीरियंस. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस मीन्स अगर कोई अपने पुराने एक्सपीरियंस से ही अपनी हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, नया नहीं सीखता कुछ. फ्लूइड इंटेलिजेंस मीन्स जो हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, पुराना एक्सपीरियंस को अलग रख के नया सीखने की कोशिश, तो वो होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस. तो ये प्राइमरी, ये वन ऑफ द प्राइमरी ट्रेट है हमारे अंदर जो कि इंटेलिजेंस के अंदर इन्होंने डाले हैं. तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज में क्या डिफरेंस होता है. आगे कैटल डिफाइंड एटीट्यूड एज द डिजायर टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन. फिर एटीट्यूड की भी बात की है कैटल ने, जैसे इंटेलिजेंस की बात की वैसे एटीट्यूड की भी बात की है. कि एटीट्यूड क्या होता है, एक डिज़ायर होता है रिस्पॉन्स देने का, किसी भी सिचुएशन में हम किस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे उसको एटीट्यूड बोलते हैं. और बाद में ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी जो होती है वो ट्रेट और एटीट्यूड का मिक्सचर होती है. किस तरह के ट्रेट्स हैं हमारे अंदर और हमारा एटीट्यूड किस तरह का है, इन दोनों चीज़ों को मिला के फिर हमारी पर्सनैलिटी बनती है. तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एटीट्यूड की बात की है. तो अर्जिस की बात हो रही थी. अर्जिस आर गोल्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हंगर थर्स्ट, मतलब ये वो बेसिक अर्जिस होते हैं जिसकी वजह से कोई मोटिवेट होता है अपने गोल को पूरा करने के लिए. सोशली क्रिएटेड गोल्स आर कॉल्ड सोशली शेप्ड अर्जिस एंड कैटल गेव इट द टर्म सोशली शेप्ड अर्जिक मैनिफोल्ड्स. तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा बार बार आपके सामने, SEM. SEM किसका शॉर्ट फॉर्म है, सोशली शेप्ड अर्जिक मैनिफोल्ड्स का. तो ये बोलते हैं कि जो हमारे सोशल गोल्स होते हैं, सोशल गोल्स, सोसाइटी में रहते हैं हम, कल्चरली जिस तरीके से हम अपने गोल्स पूरे करते हैं, तो वो वाले जो गोल्स होते हैं उनको बोला जाता है SEM, सोशली शेप्ड अर्जिक मैनिफोल्ड्स. इट कैटल यूज SEM टू एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट टू ह्यूमन बिहेवियर. SEMs आर सोशली एक्वायर्ड एंड कैन सेटिस्फाई सेवरल अर्जिस एट वन टाइम बिकॉज SEMs आर सोशली एक्वायर्ड एंड दे वेरी इन नंबर एंड टाइप ऑफ कल्चर. SEM गेट देयर एनर्जी फ्रॉम ERG इज अर्ज ओनली एक्चुअली. तो ये कह रहे हैं कि सोशली एक्वायर्ड गोल्स होते हैं जो उनको इन्होंने SEM बोला है, और ये हमारे को काफ़ी सारे अर्जिस को एक साथ एक ही टाइम पे सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं.
अर्जिस किस तरह के, जैसे कि हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें। और अगर SEM सोशली एक्वायर्ड गोल्स हैं तो वो हमें हमारे सेटिस्फाई करने में अर्जिस को हेल्प करते हैं। और अगर आप अर्जिस के बारे में सोच रहे हो कि अर्जिस क्या चीज़ है, तो मैं बार बार आपको ये बताऊंगी, अर्जिस वो चीज़ें होती हैं जिनको सेटिस्फाई करने के लिए आप काम करते हो। जैसे क्यूरोसिटी, आपको किसी चीज़ को जानने की, आप उठ के जानते हो। एंगर है तो आप उसको कम करने की कोशिश करते हो। हंगर है तो आप जाके अपना हंगर मिटाने के लिए कुछ करते हो। फियर है तो आप रिएक्ट करते हो उस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं अर्जिस जो हमें पूरी करनी होती है, और इसको पूरा करने के लिए हम बिहेव करते हैं जिस तरीके से भी। और सोशली शेप्ड अर्जिस मैनिफोल्ड्स होते हैं SEMs, जो हमें हेल्प करते हैं अपने अर्जिस को सेटिस्फाई करने। थ्रू रिसर्च कैटल डेवलप लिस्ट ऑफ अर्जिस विच आर, फॉर इंस्टेंस, कुछ लिस्ट इन्होंने दिया अर्जिस की, जैसे फूड सीकिंग अर्ज होता है, मेटिंग अर्ज होता है, ग्रिगेरियसनेस होता है, पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस होता है, एक्सप्लोरेशन, सेफ्टी, सेल्फ असर्शन, पग्नेसिटी, नार्सिसिस्टिक सेक्स एंड एक्विजिटनेस। ये सारे अर्जिस होते हैं जिनके पीछे हम अपनी पूरी लाइफ पर्सनैलिटी हमारी बिल्डअप होती है, और पूरी लाइफ हम अपने ये सारे अर्जिस को सेटिस्फाई करने में निकाल देते हैं। तो ये बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कैटल, इफ यू कैन सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई देयर एटीट्यूड अर्ज एंड SEMs, यू शुड बी एबल टू रिलायबली प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ों की बात इसलिए की क्योंकि फाइनली कह रहे हैं, अगर आपको किसी का एटीट्यूड पता चल जाए, उनके अर्जिस के बारे में पता चल जाए, SEMs के बारे में पता चल जाए, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वे फ्यूचर में कैसे बिहेव करेंगे। इसलिए इन्होंने इतनी सारी चीज़ों की बात की है। फिर आगे चलते हैं इसमें फॉर्मूला ऑफ पर्सनैलिटी। जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है वो ये है, R=FSP। R रिस्पॉन्स है, एक सिचुएशन में हम कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। F फंक्शन है। S का मतलब स्टिमुलस सिचुएशन। स्टिमुलस सिचुएशन या कोई स्टिमुलस हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको देख के आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। P मतलब पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर। तो ये फॉर्मूला इन्होंने बनाया था पर्सनालिटी को, किसी की पर्सनालिटी को जज करने के लिए। वैसे मैंने इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कम देखे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं इस फॉर्मूले के थ्रू कि किसी का भी रिस्पांस किसी सिचुएशन में कैसे होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस टाइप की है और पर्सनैलिटी किस टाइप की है। सिंपली ये मतलब है इस फॉर्मूले का कि रिस्पॉन्स क्या है, किस चीज़ का फंक्शन है, सिचुएशन का, उसकी पर्सनैलिटी। कैटेगरी ऑफ ट्रेड्स पे चलते हैं फिर। कैटेगरी ऑफ ट्रेड्स में काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जो एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे सरफेस ट्रेड्स है, सोर्स ट्रेड्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स है, एनवायरमेंटल मोल ट्रेड्स है, एबिलिटी ट्रेड्स हैं, टेम्परामेंट, डायनामिक है, कॉमन ट्रेड्स है, यूनिक ट्रेड्स है। तो ये हमने बारी बारी डिस्कस करना है। अब सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स आती है सरफेस ट्रेड वर्सेज सोर्स ट्रेड्स। अब सरफेस ट्रेड्स क्या होते हैं अच्छे से समझ लो यहाँ पे, जो बहुत ऑब्वियस होते हैं, आपको नज़र आते हैं सरफेस मतलब ऊपर ऊपर दिखते हैं उसकी पर्सनालिटी, सामने से आपको नज़र आते हैं और आप इजीली उनको पहचान पाते हो किसी के ट्रेड्स को। ये रेगुलर उनके बिहेवियर में दिखते हैं और कंसिस्टेंट नहीं होते, ये ट्रेड्स चेंज भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, किसी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। इनडिसिसिवनेस, कोई अच्छे से अपने डिसीजन नहीं ले पाता है। रेस्टलेस, कोई रेस्टलेस है बहुत ज़्यादा, पेशेंस नहीं है उसके अंदर। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको सामने से ऊपर नज़र आते हैं, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और ये चेंज भी हो सकते हैं, ये कंसिस्टेंट नहीं होते। हो सकता है कुछ सालों बाद उसके अंदर के ये ट्रेड्स चेंज हो जाए, वो इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट है तो कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाए, रेस्टलेसनेस है तो आगे जाके थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। तो ये चेंज भी हो सकते हैं। सोर्स ट्रेड्स क्या होते हैं, जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक ब्लॉक्स होते हैं पर्सनालिटी के, जो ऊपर ऊपर नज़र नहीं आते, बहुत कम दिखते हैं और इन्हीं की वजह से बिहेवियर फॉर्म होता है किसी का भी। ये बहुत डीपर लेवल में एग्जिस्ट करते हैं और ये थोड़े से सबमिसिव होते हैं, दबे हुए होते हैं। सोर्स ट्रेड आपको इतना ईजिली किसी के पता नहीं चलते जब तक आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक ऑब्जर्व ना करो। सरफेस ट्रेड्स आपको किसी को देख के पता चल जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ट्रेड्स हैं।
सोच ट्रेट थोड़े से उसके अंदर की चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको उससे या तो पूछना पड़ता है या कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है जैसे क्वेश्चनेयर के फॉर्म में। जैसे इन्होंने 16 PF का क्वेश्चनेयर बनाया था जिससे ये लोगों के सोर्स ट्रेड्स के बारे में जानना चाहते थे। तो उसमें किस तरह के ट्रेड्स लिए थे इन्होंने, वॉर्म्थ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, लाइवलीनेस, रूल कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, विजिलेंस, एब्स्ट्रैक्टनेस, प्राइवेटनेस, एप्रीहेंशन, ओपन टू चेंज, सेल्फ रिलायंस, परफेक्शनिज्म, टेंशन। तो ये ट्रेड्स इन्होंने लिए थे सोर्स ट्रेड्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो सडनली आपको नहीं दिखती किसी के अंदर जब तक कॉन्टिन्यूसली आप उसके साथ इंटरेक्ट ना करो। तो अगर आपको ये समझना है कि ये ट्रेड्स का मीनिंग क्या है, तो वॉर्म्थ पहले क्या है कि दूसरों के साथ क्लोजनेस कितनी है, दूसरों के साथ कनेक्शन कितना है, आप केयर कितनी करते हो दूसरों की, ये तो हो गया वॉर्म्थ। फिर उसके बाद है लाइवलीनेस। लाइवलीनेस में कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप कितने फन लविंग हो, केयर फ्री कितने हो। फिर आता है सोशल बोल्डनेस कि सोशली आप कितने बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, फियरलेस हो, इंजॉय करते हो चैलेंजेस को, रिस्क लेना पसंद करते हो। फोर्थराइटनेस हो गया, फोर्थराइटनेस मतलब आप कितने ओपन हो, अपनी चीज़ों को सामने रखने में डरते नहीं हो, जेन्युइन हो, अपने फीलिंग्स को रिवील करने में नहीं घबराते हो। एफिलिएटिव हो मतलब आप कितना लोगों के साथ रिलेशनशिप इंजॉय करते हो, एक रिलेशन में रहना पसंद करते हो, कितने कोऑपरेटिव हो और कॉम्प्रोमाइज़ कितना करते हो, इस तरीके से। फिर कुछ और हैं जैसे कि ओपननेस टू सेंसिटिव फीलिंग्स, सेंसिटिविटी, कितने सेंसिटिव हो आप। एब्स्ट्रैक्टनेस, आपके आइडियाज़ कितने एब्स्ट्रैक्ट, कितने इमेजिनेशन आपकी कितनी एब्स्ट्रैक्ट है, कितनी वाइड इमेजिनेशन रख सकते हो। ओपननेस टू चेंज, नई चीज़ें सीखने में कितने इंटरेस्टेड रहते हो। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ सोर्स ट्रेड्स वो करे थे, लिस्ट बनाई थी जिसके बेस पे 16 PF बना है। तो ये कहते हैं कि रोल ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है दोनों का ही इसके ऊपर। उसके लिए इन्होंने एक टेक्निक निकाली थी, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरियंस एनालिसिस। तो ये जो MAVA मावा करके इन्होंने जो एनालिसिस की टेक्निक निकाली थी, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इससे क्या पता चलता है कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस तो होती ही है लोगों के ट्रेड्स के ऊपर, साथ साथ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होती है। इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं वो जीन्स एज वेल एज एनवायरमेंट दोनों की वजह से होते हैं। तो यही टेक्निक ये यूज़ करते हैं मावा, जिससे ये चीज़ को अभी किसके ऊपर स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली जब भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात आती है तो मैंने आपको बोला ट्विन स्टडी होती है हमेशा। तो ट्विन्स के ऊपर स्टडी करके ये चीज़ ये पता कर सकते हैं कि जेनेटिक्स का कितना रोल होता है पर्सनालिटी में और एनवायरनमेंट का। फिर आगे चलते हैं, इसमें दूसरी कैटेगरी ऑफ ट्रेड्स है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेज एनवायरमेंटल। मूल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल ट्रेड्स होते हैं हमारे अंदर, बायोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेड्स होते हैं। जैसे रिकवरी फ्रॉम कोकेन एडिक्शन मे कॉज अ पर्सन टू मोमेंटरीली इरिटेबल, डिप्रेस्ड, एंग्शियस। जैसे कोई बहुत बीमार पर्सन है तो वो कैसा होता है उस टाइम पे, इरिटेबल होता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, एंग्शियस रहता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स हैं जो हमारी बायोलॉजी या हमारी फिजियोलॉजी की वजह से है। एनवायरमेंटल मोल ट्रेड्स होते हैं जो सोशल और फिजिकल एनवायरमेंट की वजह से इफेक्ट होते हैं। जैसे कोई पर्सन अगर रूरल एरिया में रह रहा है तो उसके ट्रेड्स उसके एनवायरमेंट की वजह से अलग होंगे एज कंपेयर टू कोई और पर्सन जो अर्बन एरिया में बड़ा हो रहा है। तो रूरल में रहने वाला और अर्बन में रहने वाला दोनों के आपस में ट्रेड्स में जो फर्क होता है वो एनवायरमेंटल मोल ट्रेड्स की वजह से होता है। ऊपर वाला जो था कॉन्स्टिट्यूशनल वो बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से होता है, एनवायरमेंटल जो है वो एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से होता है। फिर आते हैं एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेड्स। एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ट्रेड्स क्या होते हैं, पर्सन स्किल एंड इफेक्टिवनेस इन परसुइंग अ डिजायर्ड गोल, कि आपके अंदर कितना स्किल है और कितने इफेक्टिव हो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो इंटेलिजेंस इसमें आ जाता है, म्यूजिकल एप्टीट्यूड आ जाता है। टेम्परामेंट ट्रेट रिलेट टू अदर इमोशनल एंड स्टाइलिस्टिक क्वालिटी ऑफ बिहेवियर। अब किस टेम्परामेंट में लोगों का रिएक्ट करने का तरीका होता है,
कुछ लोग बहुत काम में बहुत इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, बहुत क्विकली करते हैं, कुछ बहुत स्लो होते हैं, अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो होता है टेम्परामेंटल ट्रेट। डायनामिक ट्रेट रिफ्लेक्ट द मोटिवेशनल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि कौन कितना मोटिवेटेड है अपने गोल को पूरा करने में और उसके लिए वो कितनी मेहनत करता है, कितना एम्बिशियस है, कितना पावर ओरिएंटेड है, उसको डायनामिक ट्रेट बोलेंगे। फिर इसके बाद ये लास्ट कैटेगरी आती है कॉमन वर्सेस यूनिक ट्रेट। कॉमन ट्रेट होते हैं जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जो एक कल्चर में कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम, इंटेलिजेंस, जो इस कल्चर में ही नज़र आती है कि इस कल्चर के लोग इंटेलिजेंट हैं या इस कल्चर के लोगों के अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत है। यूनिक ट्रेट होते हैं जो बहुत कम लोगों में या किसी यूनिकली कुनी कुछ ही लोगों में दिखते हैं, जैसे उनका कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट या एटीट्यूड हो गया। अब कुछ टाइप्स ऑफ डेटा बताए हुए हैं यहाँ पे कि कैटल गिव्स मच सिग्निफिकेंस ऑन द यूज ऑफ फैक्टर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई मेजर ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। कैटल ड्रॉज हिज डेटा फ्रॉम थ्री बेसिक सोर्सेज। डेटा कहाँ से लेते हैं कैटल? जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, फिर उसको फैक्टर एनालिसिस किया, उसके बेस पे क्वेश्चनेयर बनाया, तो ये डेटा कहाँ से लिया इन्होंने? तीन तरीके थे। पहला था एल डेटा। एल डेटा का मतलब है एक्चुअल डेटा, मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर इन एक्चुअल एवरीडे सिचुएशन, लोगों का एक्चुअल बिहेवियर मेजर करना, जैसे स्कूल की परफॉर्मेंस, इंटरेक्शन विद पीयर्स, तो इस तरह के बिहेवियर को एल डेटा बोलते हैं। क्यू डेटा मतलब कि जब हम क्वेश्चनेयर भरवाते हैं उनसे या उनको बोलते हैं कि अपने आप को रेटिंग दो, आप 1 से 5 में से अपने आप को कितनी रेटिंग दोगे, और किसी पर्टिकुलर ट्रेट में, जैसे आप ओपननेस में अपने आप को कितनी रेटिंग दोगे, सोशिएबल में अपने आप को कितनी रेटिंग दोगे, फियरलेस में अपने आप को कितनी रेटिंग दोगे, तो वो जो सेल्फ रेटिंग भरवाते हैं लोगों से उसको क्यू डेटा बोलते हैं। सच इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट द पर्सन्स इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। क्यू डेटा से ही पता चलता है कि कौन अपने आप को कितना जानता है और अपने आप को कितना ऑब्जर्व करता है। अब ये ऐसे 16 PF क्वेश्चन है जो इनका है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, क्यू डेटा पे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा फेक हो सकता है क्योंकि लोग अपने आप को कई बार हर चीज़ में ज़्यादा रेटिंग देते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है OT डेटा। OT डेटा का मतलब है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो इसमें उस तरह का टेस्ट लिया जाता है जैसे हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में पढ़ा था ना, रॉसचेक का इनब्लॉट टेस्ट, तो उस तरीके से अगर किसी का टेस्ट लिया जाए और उसको स्कोर किया जाए तो वो OT डेटा होता है। तो ये इन्होंने मेथड यूज़ किए थे अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कैटल की थ्योरी और हमारा ये यूनिट भी ख़त्म होता है। इसके बाद आपका यूनिट 3 आएगा जिसमें हम आइजैक की थ्योरी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।